हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आरवी फंटासी सेवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मलबर स्थान वर्सेज ब्रिस्बेन हीट के बीच में होने वाला बिग बैश सीरीज का जो सेकंड मैच है 10:30 का, उसके बारे में। तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्लेयर की इन्फॉर्मेशन मिलेंगे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज अबो 70 है, लेकिन वो खेल नहीं रहे। वो तीन ऐसे प्लेयर हैं जिसके बारे में आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, और आपको इसी के साथ साथ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी प्लेयर्स रिकॉर्ड और इसी के साथ साथ प्लेयर्स बैटल, कौन सा प्लेयर किस बॉलर के सामने ज़्यादातर के आउट होता है और किस बैट्समैन को अच्छे तरीके से खेलता है, ये सब आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। और प्रोबेबल जो 13 प्लेयर की यहाँ पर लिस्ट है वो भी आपने को आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप वेल प्रिपेयर हो और जब लाइनअप आ जाए तो फिर आप यहाँ पर गैम्बल ना हो टीम बनाने के लिए। जो T10 लीग का मतलब बिग बैश लीग का जो 10th एडिशन है, तो उसमें जो नए रूल है उसके बारे में अगर आप हम डिस्कस करेंगे तो 2 मिनट के लिए मैं ये समझ लूँगा। अगर आपको इसके बारे में पता है तो फिर 2 मिनट का वीडियो स्किप करके अगला वीडियो मतलब अगला पार्ट आप देख सकते हैं। तो जो 3 नए रूल ऐड हुए, ये सबसे पहला है पावर शुगर, मतलब आपको यहाँ पर जब 6 ओवर पावर प्ले में होते थे फर्स्ट 10 ओवर में, तो अभी यहाँ पर फर्स्ट 10 ओवर में आप 4 ओवर ले सकते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर 10 to 20 ओवर में आपको 2 ओवर यहाँ पर दिए जाएंगे पावर प्ले में। ये बैट्समैन के जो बैटिंग कर रही टीम उस पर डिपेंड है वो कब लेना चाहती है आपने वो 2 ओवर। तो मतलब फर्स्ट 10 ओवर में 4 ओवर पावर प्ले के और सेकंड 10 ओवर में 2 ओवर पावर प्ले के, ऐसे डिवाइड कर दिए पावर प्ले के। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा एक्स फैक्टर प्लेयर, मतलब 2 सब्स्टिट्यूट प्लेयर यहाँ पर आप रख सकते हैं, बिग बैश लिस्ट की टीम में यहाँ पर रख सकती है, और 11 स्क्वाड यहाँ पर अनाउंस करेंगे, और उसी के साथ साथ 2 सब्स्टिट्यूट प्लेयर उनको ये कभी भी खिलवा सकती है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए भी टर्म एंड कंडीशन है। जो मतलब 11th और 12th और 13th प्लेयर वो खिलवाएंगी, तो वो प्लेयर जो बैट्समैन आउट हो गया है उसके जगह पर नहीं खिलवा सकती, और जो बॉलर खिलवाएंगी जिस बॉलर ने कम से कम 1 ओवर डाला है उसके मतलब उसके प्लेस पर यहाँ पर ये टीम खिलवा सकती है, अदरवाइज़ जिस बॉलर ने अपने 2 ओवर कंप्लीट कर लिए उसके जगह पर ये टीम खिलवा सकती नहीं है अपने 12th और 13th जो प्लेयर है उसको। हाँ भाई, जो 3rd फैक्टर यहाँ पर ऐड हुआ है वो है बैच बूस्टर। बैच बूस्टर मतलब यहाँ पर फर्स्ट 10 ओवर में जो टीम सबसे ज़्यादा रन बनाएंगी उसे +1 पॉइंट दिया जाएगा, और जो टीम विन करेंगी उसे +3 पॉइंट दिया जाएगा। तो ये थोड़ी सी लालच दे दी है टीम में। अगर आप यहाँ पर जो मतलब इससे होने वाला क्या है कि जो मतलब जो टीम यहाँ पर 1 पॉइंट के लालच में जाएंगी उस टीम 3 पॉइंट को यहाँ पर मतलब डेंजरस के लिए जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट 10 ओवर में लगभग T10 जैसे यहाँ पर खेलना होगा आपको अगर 1 पॉइंट आपको लेना है, और जो बैटिंग फर्स्ट करेंगे उसके लिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिफ़िकल्ट होने वाला है फर्स्ट 10 ओवर भी और सेकंड के 10 ओवर भी। तो ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है यहाँ पर ग्रैंड लीग के लिए। एक्स फैक्टर यहाँ पर आपको वर्क करेंगे, एक्स फैक्टर में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो 12th और 13th प्लेयर है तो इसे आप ग्रैंड लीग में यूज़ कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आपको बैच बूस्टर यानी जितना यहाँ पर इंपॉर्टेंस अभी डेथ बॉलर को था उतना ही इंपॉर्टेंस स्टार्टर बॉलर को भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐड हो चुका है जो पावर बूस्टर है। तो मतलब फर्स्ट 10 ओवर में हर टीम यहाँ पर रन बनाने के लिए जाएंगी। अगर दोनों टीम की बात करें, अभी तक हेड टू हेड 12 मुकाबले खेले हुए जिसमें से ब्रिस्बेन हिट ने यहाँ पर 8 out of 12 विन कर लिए, और उसी के साथ साथ मेलबर्न स्टार ने यहाँ पर 4 मुकाबले विन किए। अगर लास्ट के सीज़न की बात करें तो 4 मैचेस खेले थे और दोनों टीम ने भी दो मैचेस यहाँ पर विन कर लिए थे। तो ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं तो @RVFantasy7 सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब वीडियो चैनल पे नए हो हमारे तो प्लीज़ यार जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उसी के साथ साथ हो सके तो लाइक भी कर देना अगर वीडियो और आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए। तो जो वेन्यू है वो नरेला है मनुका ओवल कैनबेरिया में। तो लास्ट जो मैच हुआ था इस स्टेडियम पर वो था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट T20 मैच। अगर उस मैच में देखेंगे तो इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 161 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर, और उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने चेस करते हुए ये मुकाबला लॉस किया था 150 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। तो दोनों भी टीम की तरफ से 7-7 विकेट लॉस हो चुके थे, मतलब लगभग यहाँ पर 14 विकेट यहाँ पर दोनों टीम ने यहाँ पर लॉस किए थे। उसमें से पेसर को मिले थे 9 विकेट, और स्पिनर की बात करें तो स्पिनर को मिले थे 5 विकेट, जिसमें से युजवेंद्र चहल को 3 विकेट मिले थे, एडम झम्पा को यहाँ पर 1 विकेट मिला था, और सिप्सन को 1 विकेट मिला था। तो एडम झम्पा आज के मैच में खेलेंगे। जो सिप्सन का मैं बोल रहा था, जो 3 बंदे ऐसे बताऊंगा जिसका हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट है, तो सिप्सन आज का मैच नहीं खेल रहे क्योंकि यहाँ पर ये बिजी है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर
जो टेस्ट मैच हो रहा है उसमें मेलबर्न स्टार ने जो अपने 13 में मतलब 13 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया हुआ है उसमें यहाँ पर आपको सबसे बड़ा नाम निकोलस पुरम भी नहीं दिखाई देगा। अगर निकोलस पुरम का सिलेक्शन परसेंटेज देखेंगे आप ड्रीम इलेवन पर तो 70+ यहाँ पर उनका सिलेक्शन परसेंटेज है। अगर हम बात करें तो मेलबर्न स्टार की तरफ से कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल ये टीम एज़ कम्पेयर टू ब्रिस्बेन हिट आज के मैच में स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिस्बेन हिट की अगर बात करें तो ब्रिस्बेन हिट की तरफ से एक्सपीरियंस प्लेयर बहुत कम है और मेलबर्न स्टार की तरफ से फुल्ली यहाँ पर चार्ज टीम है। अगर बात करेंगे ग्लेन मैक्सवेल कैप्टन है, 3-4 नंबर पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ साथ आपको मिल जाएंगे मार्कस टॉइनिस, 1-2 ओवर कर सकते हैं और उसी के साथ साथ बिग बैश लिस्ट में ओपन करते हो और इस मैच में भी शायद ओपन कर लेंगे। बेन डंग की बात करें तो यहाँ पर इस टीम की तरफ से प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ओपनर बहुत है, बेन डंग को ओपन करते हैं या फिर मिडल ऑर्डर दोनों में भी, तो ज़्यादा करके बिग बैश लिस्ट में बेन डंग यहाँ पर ओपन करते हुए नजर आए थे। उसी के साथ साथ मार्कस टॉइनिस ओपन करेंगे। थर्ड डाउन पर मुझे लार्किन नज़र आ रहे, लार्किन बेस्ट प्लेयर है और आज के मैच के लिए पॉइंट प्लेयर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना क्योंकि इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा खासा है, आपको आगे पता चल जाएगा। और उसी के साथ साथ सेब गाउच, तो यहाँ से अगर बात करेंगे ओपनर की तो यहाँ पर इनके पास 4 ओपनर है और जब लाइनअप आ जाएंगी तो वहाँ पर पता चलेगा कि ये टीम किस प्लेयर के साथ यहाँ पर ओपन करना चाहेंगे। एंड्रू फ्लेचर भी ओपन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो 13 मेंबर का स्क्वाड यहाँ पर मेलबर्न स्टार की तरफ से, जिसमें से आपको बड़े नाम नहीं दिखेंगे, निकोलस पुरन नहीं दिखेंगे, उसके बाद हीटर्स का स्क्वाड देखे तो अगर इस हीटर के स्क्वाड में देखेंगे एक्सपीरियंस प्लेयर क्रिसली ने, उसके बाद टॉम कूपर और उसके अलावा लॉरेंस, तो ये 3 एक्सपीरियंस प्लेयर है। उसके बाद अगर हम बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग के लिए भी बेन लाफिन, तो ये 4 एक्सपीरियंस प्लेयर के अलावा इस टीम के तरफ से अनएक्सपीरियंस है, अनकैप प्लेयर भी बहुत है और जिनके पास थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है ऐसे प्लेयर भी बहुत है, तो ये 4 प्लेयर यहाँ पर इस टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैकवुड बॉलिंग बढ़िया करते हैं, चाहे तो आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करना। उसके बाद सुली, ये भी आपको बढ़िया ऑप्शन मिल जाएंगे बॉलिंग में। अगर बात करेंगे हम प्लेयर्स टू बी वॉच, मतलब जो प्लेयर के रिकॉर्ड है, तो ग्लेन मैक्सवेल के बारे में, इनके बारे में क्या कहना, 33+ एवरेज और स्ट्राइक रेट अबव 150 जो कि एक्सपेक्टेड है इनसे, और रन भी देखिए 1825 रन। और उसी के साथ लार्किन इस एक्सपेक्टर की भी बात कर रहा है, जो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए दोनों के लिए आपको एक्सपेक्टर मिल जाएंगे। निक लार्किन ज़्यादातर के थर्ड डाउन यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। निक लार्किन आपको अगर हम इनका रन देखें कि 471 एवरेज देखिए, मतलब 45 का लास्ट के 10 मैच में बिग बैश लिस्ट के। अगर इकोनॉमी देखिए कि ओवर 30+ बढ़िया इकोनॉमी, और उसी के साथ जो लास्ट मैच हुआ था बिग बैश लिस्ट का 83 नॉट आउट गए थे थर्ड डाउन खेलते हुए नजर आए थे। तो ठीक है, तो बढ़िया प्लेयर है, मिल जाएंगे आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी चॉइस और स्मॉल लीग के लिए भी फंड प्लेयर जो आप ढूंढ रहे हैं, तो लार्किन के सिलावा आपको और कोई मिलेगा नहीं। अगर बात करेंगे क्रिसलिन, तो मस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन यहाँ पर टीम के मतलब सिचुएशन से के हिसाब से खेलेंगे। क्रिसलिन को आप अमूमन ओपन करते हुए देखा है क्रिसलिन को आपने अभी तक, लेकिन यहाँ पर बिग बैश लिस्ट में क्रिसलिन यहाँ पर लास्ट का जो सीज़न हुआ था उसमें सेकंड डाउन खेलते हुए नजर आए थे, क्योंकि इनके टीम के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए क्रिसलिन यहाँ पर मिडल ऑर्डर में खेलते और वहाँ से ये अपने जो पारी है उसे बिल्डअप करते, उनका स्ट्राइक रेट भी लगभग यहाँ पर बहुत कम हो जाता है जब वे सेकंड ओवर पर खेलते हुए नजर आएंगे। तो एवरेज है 37+ का और स्ट्राइक रेट है 150 का। रन के बारे में क्या बताना, 2332 रन इनके भी नाम पर है। और उसी के साथ साथ कुल्टर नाइल और एक एक्सपीरियंस प्लेयर मिल जाएंगे, इनका अगर देखेंगे तो स्ट्राइक रेट है 80, हर 80 बॉल के बाद ये एक विकेट लेते हैं। और उसी के साथ साथ इकोनॉमी भी 7.50 T20 में ये बढ़िया इकोनॉमी है। उसी के साथ लाफिन की बात कर रहा था, लास्ट बीबीएल नाइन में इस सीज़न में जो खेले थे, तो 13 मैच में 15 विकेट, एक मस्ट है एक्सपीरियंस प्लेयर मिल जाता है लाफिन, जिसके पास एक्सपीरियंस है बिग बैश लिस्ट के लिए, और जो डेथ बॉलिंग और स्टार्टिंग भी आपको करते हुए नजर आएंगे और इंपॉर्टेंट ओवर डालेंगे। अगर बात करेंगे एडम झांपा, अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज हुआ है उसमें बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस किया था और इस स्टेडियम को भलीभांति जानती है। लास्ट मैच जब इस स्टेडियम पर खेले थे इंडिया के अगेंस्ट, तो 4 ओवर में 20 रन देकर एक विकेट लिया था, तो मस्ट हैव प्लेयर है और लगभग सबके पास होने वाले, और आप चाहे तो यहाँ पर मिनी जेल में वाइस या फिर कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं एडम झांपा को, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट का हेड टू हेड मैच हुआ था उसमें एडम झांपा ने 3 विकेट लिए थे और सिप्सन ने 3 विकेट लिए थे, तो सिप्सन आज का मैच खेल नहीं रहे, तो एडम झांपा के 3 विकेट लास्ट हेड टू हेड मैच में थे। तो 13 मैच में 15 विकेट अगर बिग बैश लिस्ट के 9 की बात करें तो वहाँ पर लिए थे। और स्टॉइनिस की क्या बात करना, 122 मैचेस
2882 रन, उसी के साथ 147 हाईस्ट स्कोर इनका लास्ट सीजन में आया था, और 6 बार 50 लगा चुके हैं और 1 बार 100 कर चुके हैं। 91 मैचेस में 75 विकेट, दोनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हो, और आपके लिए यहाँ पर सेफ कैप्टन चॉइस आपको स्टॉइनिस मिल जाएंगे आज के मैच में। अगर हम बात करेंगे बैट्समैन वर्सेज बॉलर बैटल की, तो स्टॉइनिस को परेशान किया है लाफिन ने, तो 29 बॉल में 34 रन देके 2 बार आउट किया हुआ है, और उसी के साथ साथ मैक्सवेल को भी परेशान किया लाफिन ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाफिन इंपॉर्टेंट ओवर डालते हैं, और जब ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टॉइनिस होंगे तो इनके सामने बिल्कुल लाफिन होने वाले हैं। 24 बॉल में 35 रन देके तो दो बार आउट किया हुआ है लाफिन ने मैक्सवेल को, और लाफिन ने परेशान किया हुआ है बेंडंग को भी, 80 बॉल में 26 रन देके 1 बार इनको भी आउट किया हुआ है। अगर मैचअप की बात करें हम हिट्स की तरफ से, तो क्रिसलिंग को परेशान किया हुआ है एडम जंपा ने, अगर 53 बॉल 44 रन और 3 बार आउट, तो स्ट्राइक रेट भी बिलो 100, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं क्रिस लिन से, जिसका या मतलब करियर एवरेज यहाँ पर 150 के आसपास जा रहा है स्ट्राइक रेट, उनका स्ट्राइक रेट यहाँ पर अगेंस्ट एडम जंपा 100 के नीचे आ जाता है। उसी के साथ साथ टी कूपर वर्सेस कुल्टरनाइल को, क्रिसलिन कुल्टरनाइल को बढ़िया खेलते हैं, और कुल्टरनाइल के अपोजिट यहाँ पर क्रिसलिन ने रन बहुत ज़्यादा बनाया, बस एक ही बार आउट कर चुके हैं, और इनका स्ट्राइक रेट रहता है कुल्टरनाइल के अगेंस्ट 130 प्लस का, तो ये ध्यान में रखना है क्रिसलिन और कुल्टरनाइल इनका भी बैटल। और उसी के साथ साथ कूपर को परेशान किया हुआ है कुल्टरनाइल ने, 19 बॉल में 28 रन देके 3 बार इनको भी आउट किया हुआ है टी कूपर को। अगर कुल्टरनाइल को पिक करना है तो आप चाहे तो टी कूपर को ड्रॉप कर सकते हैं कुल्टरनाइल की वजह से। अगर हम बात करेंगे ड्रीम इलेवन टीम, तो ड्रीम इलेवन टीम की अगर हम बात करें तो आपको विकेट कीपरिंग में कुछ अच्छे खासे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर जिसका हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज निकोलस पुरन, वो तो आज का मैच खेल नहीं रहे, तो आपको यहाँ पर विकेट कीपरिंग सेक्शन में से मिल जाएंगे यश गाउच, जो कि ओपन करेंगे या फिर मिडल ऑर्डर में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टार की तरफ से ओपनर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, चार ऑप्शन है मैंने आपको बताया। उसी के साथ साथ जे पीयरसन यहाँ पर हिट्स की तरफ से आपको यहाँ पर विकेट कीपरिंग के पॉइंट दे सकते हैं, और मिडल ऑर्डर में यहाँ पर बैटिंग करने भी आएंगे, तो चांसेस है ये दोनों खेलने की। ये दोनों तो ये मैच खेल नहीं रहे, तो फिर इन दोनों में से किसी एक को आपको पिक करना है, जो लास्ट का यहाँ पर प्रोबेबल 11 आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। अभी तक मैं जे पीयरसन को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगना है यश गाउच अगर खेलेंगे भी तो इनको ओपन करते हुए नज़र आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर इनके पास स्टार्स के पास बहुत ज़्यादा ओपनर के ऑप्शन है। क्रिसलिन एंड्रू प्लेचर दोनों खेल रहे, टीम कूपर भी खेलते हुए नजर आएंगे, उसी के साथ साथ बेंडंग, तो ये कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और अब मैं बात कर रहा था लार्किन की, जो आपको मस्ट है वो मिल जाएंगे यहाँ पर बेस्ट पॉइंट प्लेयर, तो आप जो यहाँ पर चाहेंगे तो बेंडंग का जो रिसेंटली सीजन रहा था तो ये बढ़िया नहीं रहा था, और रिसेंटली अभी भी यहाँ पर ये मैच खेलते हुए आ रहे 220 के, तो यहाँ भी इनका परफॉर्मेंस एवरेज सा था बेंडंग का, इसलिए मैं बेंडंग को ड्रॉप करो। आप चाहे तो टीम कूपर को भी ड्रॉप कर सकते या फिर क्रिसलिन, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर मिल जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात करें, मार्कस स्टॉइनिस खेल रहे, मैक्सवेल खेल रहे, उसी के साथ साथ लुक जार्जी, इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी अगर देखेंगे 63%, लेकिन ये भी आज का मैच नहीं खेल रही, तो ये दो प्लेयर मिल जाएंगे। और उसी के साथ साथ डी लॉरेंस एक्सपीरियंस प्लेयर है इंग्लैंड के, तो इनको बिल्कुल पिक करना है अपनी टीम में। अगर बॉलिंग सेक्शन की बात करें, एडम जंगा और बी लाफे मस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर दोनों भी। मुजीब रहमान की बात करें तो ये भी आज का मैच खेल नहीं रहे, इनका सिलेक्शन परसेंटेज देखिए, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 के टेस्ट से यहाँ पर ये अभी भी सर्वाइव हो रही। उसके साथ बॉलिंग में आपको स्टॉलिंग की मिल जाएंगे, और उसी के साथ साथ नेथल कुल्टरनाइल, ये दो बढ़िया ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और स्विप्सन अगर आप देखेंगे, स्विप्सन का सिलेक्शन परसेंटेज 47%, ये भी आज का मैच नहीं खेल रहे, तो बॉलिंग में आपको मिल जाएंगे डी हुसैन पंट प्लेयर मिल जाएंगे, पाकिस्तान के प्लेयर है और बढ़िया मतलब डेथ बॉलर इनको कहा जाता है पाकिस्तान में, और बढ़िया अच्छी खासी यहाँ पर बॉलिंग कर भी देते हैं। स्टॉलंकी और कुल्टरनाइल, इन दोनों में से किसी एक को पिक करना हो तो मुझे स्टॉलंकी बेटर लग रहा है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा है कुल्टरनाइल से भी। तो ये कुछ प्रकार की ड्रीम इलेवन टीम बन जाएंगे। अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मार्कस स्टॉइनिस यहाँ पर डिफॉल्ट यहाँ पर कैप्टन मिल जाएंगे आपके अपोनेंट की भी, और यहाँ पर वाइस कैप्टन में आपको ऑप्शन यन लार्किन, अगर पंट प्लेयर आप यूज़ करना चाहते हो तो यन लार्किन, उसी के साथ साथ ग्लेन मैक्सवेल, क्रिसलिन और एडम जंपा, तो ये तीन ऑप्शन मुझे बेटर लग रहे हैं वाइस कैप्टन के लिए। बाकी आप अपने मतलब जो 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 टीम बैटिंग फर्स्ट करेंगी उस पर डिपेंड होगा कि वाइस कैप्टन किसे बनाना है, लेकिन मार्कस स्टॉइनिस यहाँ पर लगभग यहाँ पर 99 लोगों का यहाँ पर कैप्टन रहने वाला है। उसी के बाद आपको वाइस कैप्टन क्रिसलिन
या फिर ग्लेन मैक्सवेल, इन दोनों में से कोई एक मिलेगा। तो बेस्ट अगर चॉइस की अगर बात करूँ तो मैं मार्कस स्टोइनिस को यहाँ पर प्रीफर करूँगा कैप्टन, और वाइस कैप्टन के लिए क्रिस लिन, जो लास्ट के मुंबई इंडियंस के जो स्क्वाड में शामिल हुए थे लेकिन इनको कुछ चांस नहीं मिले थे खेलने के लिए, तो बहुत दिन से ज़्यादा क्रिकेट खेले नहीं। अगर वाइस कैप्टन सेफ वाइस कैप्टन मेरे माने तो वाइस कैप्टन सेफ वाइस कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल है, एक दो ओवर दे भी सकते हैं आपको बॉलिंग में, और इनके बीबीएल लाइन में अच्छे खासे विकेट भी लिए हुए, और मार्कस स्टोइनिस भी यहाँ पर ओपन करेंगे, तो बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार यहाँ पर जाके लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।